नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरके दांगी चैनल और मैं आरके दांगी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो स्टेनोग्राफी हिंदी और इंग्लिश की प्रैक्टिकल एग्जाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होने वाले हैं, या स्टेनोग्राफी हिंदी इंग्लिश की जो प्रैक्टिकल या प्रायोगिक परीक्षाएं हैं जिनको ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, उसके हॉल टिकट के बारे में ये पूरा बेस है वीडियो। तो दोस्तों सीधा हम लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सीबीटी एग्जाम गूगल पे आप डालेंगे, गूगल का पेज खोलेंगे, होम पे सीबीटी एग्जाम डालेंगे तो ये लिंक खुलेगी दोस्तों। डेट कंफर्म 8 दिसंबर से ही है, 8 से परीक्षाएं चालू हो गई हैं दोस्तों। इसके लिए आपको कल मीन्स मंडे को 7 दिसंबर को कॉलेज में जाके अपना अपना एडमिट कार्ड ले लेना है, और एडमिट कार्ड लेते टाइम क्या क्या सावधानियां बरतनी है परीक्षा सेंटर पर जाने के पहले, तो वो आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं सीबीटी एग्जाम डालते हैं। ये दोस्तों एक बार फिर समझ लीजिए, ये हॉल टिकट या एडमिट कार्ड कॉलेज को ही मिलेंगे, कॉलेज के आईडी पर डाले गए हैं, आप खुद से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं ना ही खुद से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सीबीटी पोर्टल हमने डाला आपका, ये जैसे ही आप ये इस पे क्लिक करेंगे आपका ये पोर्टल खुल जाएगा। और दोस्तों एक और चीज बता दूं, जो आपकी जो मेरा कर्सर देगी स्टेनो प्रैक्टिकल मॉक लिंक है, इस पे को आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करके देख लें, कहीं कुछ समस्या तो नहीं आ रही है आपको। इस पे भी मेरा वीडियो बना हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट वो वीडियो भी देख सकते हैं। स्टेनो प्रैक्टिकल पर मेरे जो वीडियो है वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों क्या करना, क्या करेंगे आईटीआई वाले, एनसीबीटी एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला आपका पेज खुल जाता है, वो हम देख लेते हैं। ये वाला पेज आपका खुल जाएगा, इस पर क्या है एनसीबीटी नवंबर, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिएगा आप ये लॉगिन करा हुआ है। लॉगिन करके एडमिट कार्ड कहाँ दिख रहे हैं ये देखिएगा आप, ये जाओ यहाँ पर मेरा कर्सर देखिएगा, डाउनलोड स्टेनो एडमिट कार्ड, यहाँ पर गवर्नमेंट आईटीआई या प्राइवेट आईटीआई, उसके लॉगिन से लॉगिन आईडी से लॉगिन करके इस पे जब क्लिक करेगा तो स्टेनो के यहाँ पर एडमिट कार्ड उसको दिखने लगेंगे। एडमिट कार्ड पर यहाँ क्लिक करना रहता है, एडमिशन ईयर आपका 2019 है, और आपका हम देखेंगे ईयर आपको फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करने के बाद स्टेनो ट्रेड यहाँ से आएगा, ये यहाँ पे क्लिक करना है। ये तो मैं बता रहा हूँ आईटीआई वाले, ये देखिएगा आपके हॉल टिकट की पूरी ये लिंक आ गई है, सभी के हॉल टिकट आ चुकी है दोस्तों आज। तो कल आप अपनी संस्था में जाके अपना अपना हॉल टिकट ले लें, और हॉल टिकट लेने जाने के पहले आपको अपना एक फोटोग्राफ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आप फोटोग्राफ लगाएंगे और आपके जो प्रिंसिपल हैं उससे आप जब तक सत्यापित नहीं करवाएंगे या अटेस्ट नहीं करवाएंगे तब तक आपका वैलिड नहीं होगा एडमिट कार्ड। तो दोस्तों देखिएगा एडमिट कार्ड कैसा निकल के आ रहा है, एडमिट कार्ड भी आप देख लीजिए। जैसे मैं इस पे पहले एडमिट कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एडमिट कार्ड दिख गया है दोस्तों। इस एडमिट कार्ड को देखिए, सबसे ऊपर ये नाम दिया हुआ है, तो देखिएगा दोस्तों ये सबसे नाम दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा नाम के नीचे क्या लिखा हुआ है, संस्था का नाम है, ये आपका रोल नंबर दिया है 19A से, फिर इसके बाद आपका परीक्षा केंद्र का पता दिया हुआ है, देखिएगा ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये देखिएगा जैसे दूसरा एक एडमिट कार्ड है गंजवासुदा का, ये देखिएगा इनका क्या टाइम दिया हुआ है, सुबह 9 बजे से दिया है जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 के लिए 8 दिसंबर को, और अगला जो है जॉब 4 जॉब 5 मीन्स 80 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट का टाइमिंग उन्होंने क्या दिया हुआ है अगली डेट को 9 दिसंबर को दिया है, वो भी सुबह देंगे। आपको क्या करके ले जाना है, अपना एक फोटो ले जाना है, वो फोटो आपको यहाँ चिपकाना है, प्रिंसिपल से उसको वेरीफाई करवाना है, संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर यहाँ होंगे जहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है ये देखिएगा, और ये संस्था प्रमुख है यहाँ हस्ताक्षर करेंगे, फोटो पर भी सील साइन करेंगे, तब आपका ये वैलिड हो जाएगा एडमिट कार्ड। ये वीक्षक जो इनविजिलेटर होते हैं वो साइन करेंगे, उनके सामने आपको इधर साइन करना रहेगा, एक 8 तारीख का पेपर होगा तब साइन करना रहेगा, और 9 तारीख का पेपर होगा तब साइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या करना है, अपना हॉल टिकट पे फोटो चिपका लेना और उसकी एक फोटो कॉपी करके रख लेना है, हो सकता है 8 तारीख को आपका ये हॉल टिकट जमा करवा लें तो फिर आपको दूसरा हॉल टिकट भी जरूरत पड़ेगी। ज्यादा आपको लगता है तो आप 2 फोटो लेके आए, फोटो कॉपी करवाए, दोनों ओरिजिनल भी बना सकते हैं दोस्तों। पेन पेंसिल लेके जाना है, पेन पेंसिल के अलावा आप कोई अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, और इसके साथ एक भी कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ, वैलिड आईडी प्रूफ इनमें से जो लिस्ट दी है इनमें से कोई एक होना चाहिए, आप समझ लीजिए, या तो आपका मतदाता पहचान पत्र हो आपका, या आईटीआई का भी आईडी हो सकता है, या आधार कार्ड हो, ये सारी चीजों में से कोई भी एक चीज है वो लेके जाना है आपको, ओरिजिनल लेके जाना है आपको। निर्देश लिखे रहेंगे, ये आप टेबल दी हुई है,
सबसे पहली जो टेबल है जॉब वन जॉब टू जॉब थ्री इंग्लिश के लिए दी हुई है और ये इधर से हिंदी के लिए दी हुई है। तो देखिएगा मैंने हाईलाइट कर दिया हिंदी के लिए आपका पहले दिन जो पेपर होगा 8 दिसंबर को पेपर है वो आपका जॉब वन जॉब टू जॉब थ्री। जॉब वन आपको पता है मैट आ रहा है आपका 300 वर्ड रहेंगे 10 मिनट में आपको पूरा टाइप करना रहेगा वो टाइपिंग का मैटर आपको पूरा कंप्यूटर पर करना पड़ेगा। जॉब टू आपका क्या है लेटर आपको 30 मिनट में टाइप करना पड़ेगा। एमएस एक्सेल में आपको टेबल बनानी रहती है फॉर्मूले लगाने रहेंगे तो वो फॉर्मूले की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें एक वीडियो हमने डाला है इस पे एक्सेल पे भी। इसके बाद देखिएगा आपका फर्स्ट डे हो गया ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले दिन मीन्स आपका अगर 8 दिसंबर को पहला हो जाएगा जॉब वन जॉब टू जॉब थ्री। फिर आपका डे टू मीन्स नेक्स्ट डे 9 दिसंबर को क्या क्या है जॉब फोर। जॉब फोर किसको बोलते हैं 100 वर्ड पर मिनट है और ये 100 वर्ड पर मिनट है। ये टाइमिंग वही दी हुई है आपने वहां देख पा रहे थे पहले निर्देश था कि पहले जो पेपर जो है इस वीडियो में हमने सारी चीजें बता दी। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट होता है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर देंगे उस पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई इसके अलावा भी आपके पास शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए ये न्यूज है कल ही जाके आप अपने अपने संस्था में जाके अपने अपने एडमिट कार्ड कलेक्ट कर लें ले लें सत्यापित करा लें और रूल्स को अच्छे से पढ़ लें। और एक चीज वही दिया जाएगा अभी कुछ लोगों ने पूछा था कुर्ती देव रहेगा कि नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा सिर्फ मंगल फॉन्ट का ही उपयोग करने दिया जाएगा किया जाएगा। तो आप मंगल फॉन्ट को ही अपना समझ लें उसी में आप 16 प्रैक्टिस करो आप ज्यादा से ज्यादा। एक और चीज है अभी मैं बता दूं हो सकता है इसके अलावा आपका जो MIS पोर्टल का हॉल टिकट है वो भी मांगे तो आप हो सकता है कॉलेज से पूछना अगर वो लग रहा हो तो कल तक और निर्देश आ जाएंगे। तो जो MIS पोर्टल वाला हॉल टिकट जिसमें 25 नवंबर से परीक्षा थी वो भी आप ले लेना कॉलेज से दोनों लेके जाना हो सकता है वहां पर वो भी मांगा जाए तो वो भी आप ले सकते हैं कॉलेज से। आपको बस कल कॉलेज जाना है और कि आज आप सब लोगों तक पहुंचा दें जो भी आपके फ्रेंड हैं दोस्त हैं ग्रुप से उनमें सब में सर्कुलेट कर दें जिससे कि ये जानकारी सबको समय पे मिल सके और वो अपना हॉल टिकट ले सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि हम ऑथेंटिक और ऑफिशियल ही वीडियो लेके आते हैं। कोई भी हमारा ये उद्देश्य नहीं रहता है कि आपको अननेसेसरी कोई भी चीज़ हम वीडियो में दिखाएं। तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर करें और जो दूसरे लोग हैं उनको भी बोलें चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हम आपको और अच्छे से अच्छी जानकारियां दे सकें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।